आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार की एकीकृत विद्युत विकास योजना के तहत हरिद्वार को एक बड़ी सौगात मिली और पूरे देश में वाराणसी के बाद हरिद्वार ऐसा शहर होगा जहां सभी विद्युत लाइनें भूमिगत होंगी। केंद्र सरकार इसके लिए 600 करोड़ रुपए राज्य सरकार को देगा और जिसके तहत 400 करोड़ की धनराशि जारी हो गई है। हरिद्वार के ऐतिहासिक ऋषिकुल मैदान पहुंचे केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री के सिंह और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस योजना का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट के अलावा सांसद निशंक, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार को कई सौगात दी। जब हम बैठे थे तो कह रहे थे भी हरिद्वार हरिद्वार वालों का नहीं है, हरिद्वार पूरे देश का है, पूरे देश की श्रद्धा हरिद्वार के ऊपर है और हम जो कुछ भी करेंगे, मैं समझता हूँ कि हम हरिद्वार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए कर रहे हैं। बस मुझे लग गया था कि आज कुछ धूम धड़ाका होने वाला है हरिद्वार में और एक ऐतिहासिक कार्य आज बनारस के बाद ये हरिद्वार के लिए हुआ है। मैं समझ सकता हूँ कि भारत सरकार की नज़र में हरिद्वार का कितना महत्व है, वो उससे साफ साफ परिलक्षित होता है। मैं बता दूँ, ये जो मुख्यतः राज्य सरकार के निश्चय और राज्य सरकार जो परस्यू करते रहती है अपनी योजनाओं को जो कराना चाहती है, उसके कारण कई बार मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई, मदन जी से बात हुई, लोग आए, तो ये सिर्फ इसी कारण है और विकास ऐसा ही होता है।